आज का गेम बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि इसमें मौजूद है कितने लेटर्स। एक वर्ड हमने सोचना होगा, वो कितने का होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का वर्ड हमने सोचना हो पड़ेगा, गेस करना पड़ेगा, इसको एंटर करने करना होगा और देखेंगे कि ये टिक होता है कि नहीं। अगर टिक नहीं होता तो फिर हम दोबारा इस तरह करेंगे कोशिश। इस तरह हम 6 दफ़ा कोशिश करेंगे। और ये है बाइनांस लॉन्च पैड, और ये क्विज है इंटर द फर्स्ट लेटर वर्ड ऑफ द डे बाइनांस। इसको वूडल गेम भी कहा जाता है। तो मैं सोचूंगा एक वर्ड, और ये मैं पहली बार ये 8 लेटर का वर्ड जो है ना वो क्विज सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखते हैं, अभी देखिए कि मैं इसको करेक्ट करूँगा कि नहीं, मैं इसमें कामयाब हो जाऊँगा कि नहीं। इसको विन करके मैं आपको फिर शो करवाऊंगा। तो मेरे जहन में एक वर्ड आ रहा है, वो है सिक्योरिटी। SECURITY। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी में भी 8 लेटर्स है। आप कोई भी वर्ड इंटर कर सकते हैं, लेकिन याद रखना होगा कि वो उसमें 8 लेटर्स मौजूद हो, ठीक है, जिस तरह सिक्योरिटी में मौजूद है। और फिर देखने के लिए आपने एंटर के बटन पे प्रेस कर देना है। बहुत ही आला। तो आप देख सकते हैं जो ब्लैक बॉक्स होते हैं, जो ब्लैक बॉक्स आते हैं, उसका ये मतलब होता है कि ये लेटर्स करेक्ट वर्ड में मौजूद नहीं है। SECURITY ये मौजूद नहीं है। येलो जब आता है तो येलो का मतलब है कि ये लेटर मौजूद है, लेकिन ये अपनी करेक्ट पोजीशन पर नहीं है। यानी इसके पोजीशन जो है वो है सेकंड, तो ये सेकंड पे मौजूद नहीं है, ये किसी और पोजीशन पर मौजूद होगा। RI ग्रीन, ग्रीन का मतलब ये है कि ये लेटर करेक्ट वर्ड में मौजूद है और ये अपनी करेक्ट पोजीशन पर ही मौजूद है। यानी जो करेक्ट वर्ड होगा वो इसी पोजीशन पर RNI होगा। तो अब हम ऐसा वर्ड सोचेंगे जिसमें ई हो, आर हो, आई हो और ये बाकी येलो बॉक्स वाले वर्ड लेटर शामिल ना हो, और ये इसका करेक्ट पोजीशन यही ही होगा, ठीक है। तो चलते हैं, दूसरा लेटर हम सोचते हैं और इंटर करके इसको भी ट्राई कर देते हैं। दूसरा वर्ड सोचना पड़ेगा जिसमें यही ना हो, तो वो मैं सोचूंगा। मैंने बहुत सोच लिया और वो है मो, MOVER ICK। ये मैंने लिख दिया, लेकिन इसमें सी आ गया, सी इसमें मौजूद नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। लेकिन रुकिए, इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मोवे वैसे भी हमारे पास अटेम्प्ट ज़्यादा है, तो इससे हमें यह अंदाज़ा हो जाएगा कि और कौन से लेटर्स इसमें शामिल है और कौन से लेटर्स इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। मोबीरिक, तो मैं इंटर के बटन पे प्रेस कर दूंगा। प्लीज ट्राई लेटर। ये मुझे शो करवा रहा है इनवैलिड वर्ड, कह रहा है कि चलो एक और वर्ड लिख देते हैं, वो है मेमोरियल। MEMORIAL। इसमें अगर आप देखें तो ई अपनी यही पोजीशन पर है, तो ये वर्ड भी ठीक नहीं है। लेकिन इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वर्ड जो है ना वो हमें और भी इजी हो जाएगा। तो हम इंटर कर देते हैं, ये आसानी के लिए हमें इसको इंटर कर देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं हमें एक और वर्ड लेटर मिल गया है, वो है ओ। तो इसका मतलब ये है कि ई होगा, ओ होगा, आर होगा, आई होगा, और ए भी मौजूद नहीं है, एल भी मौजूद नहीं है, एस भी मौजूद नहीं है, एम भी मौजूद नहीं है, TY भी मौजूद नहीं है। तो अब हमें और भी आसानी हो गई, हम थर्ड वर्ड हम सोच के इसको भी इंटर कर देते हैं। तो मैंने इंटरनेट पे एक वर्ड सर्च कर दिया है जिसमें है OGPHOLIC।
IERITE, तो ये मैंने सर्च कर दिया लेकिन इसमें भी टी नहीं है, तो टी यहाँ पे मौजूद है और टी इसमें है, तो ये वर्ड भी ठीक नहीं है और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्ड है, ये भी ठीक नहीं है। बहुत सोचा लेकिन क्या लिख दूँ क्या लिख दूँ, चलो एक और वर्ड लिख देता हूँ, इग्नोर रिंग, क्या बताइए ठीक हो जाए, इग्नोरिंग। तो आप देख सकते हैं इसमें ये वाले लेटर्स नहीं है जो ब्लैक बॉक्स में है, और लेकिन इसमें ई भी नहीं है, तो ये भी ठीक नहीं है, इसको भी हटा देता हूँ। कोई और सोचना पड़ेगा, क्या सोचूँ से क्या सोचूँ, अफरिंग, ओ डबल एफ ई आर आई एन जी, तो इसमें कोई और वर्ड तो नहीं आ रहा ना, ओ भी शामिल है इसमें, ई भी शामिल है, एफ तो ब्लैक बॉक्स में नहीं है, एन भी ब्लैक बॉक्स में नहीं है, जी भी ब्लैक बॉक्स में नहीं है, क्या पता ये ठीक हो जाए। एंटर के बटन पर मैं प्रेस कर देता हूँ, ओ ये तो बिल्कुल ठीक निकला। तो बहुत कोशिशों के बावजूद हमारा जो वर्ड ऑफ द डे क्विज है वो ठीक निकला, हमने वर्ड फाइंड कर दिया है, वो है अफरिंग। अफरिंग कितनी मुश्किल टास्क दिया हुआ था आज के क्विज में और ये हमने विन कर दिया। उम्मीद है कि आप भी इसको इस तरह के 8 लेटर्स के वर्ड भी विन कर दें, और वीडियो भी लंबी हो गई, फिलहाल के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।